टू द चैनल 4 PM बॉलीवुड। सो गाइज, आज डंकी रिलीज हुई है और इस फिल्म ने रिलीज होने से पहले ही अच्छी खासी कमाई कर ली थी। इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की स्क्रीनिंग के दौरान स्टैंडिंग ओविशन भी मिला था। तो आज हम बात करेंगे इस फिल्म के बारे में। जो लोग इस फिल्म को देख के आ रहे हैं, हम उनसे पूछेंगे कि ये फिल्म उनको कैसी लगी। आपको कैसी लगी फिल्म? बहुत अच्छी थी, काफ़ी अच्छी मूवी है, बहुत रेयर है, बहुत ही यूनिक स्टोरी है, काफ़ी अच्छी मूवी है। मतलब थोड़ी इमोशनल है और थोड़ी फनी है, कॉमेडी भी अच्छी है और फनी भी है, मतलब इमोशनल भी है लास्ट में। तो कुल मिला के अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी पिक्चर है, इससे अच्छी पिक्चर कोई नहीं है मिलेगी। सर, एक्चुअली ये जो फिल्म में बाकी जो कैरेक्टर है, तापसी पन्नू है, सुनील ग्रोवर है, तो उनका कैरेक्टर कितना स्ट्रॉन्ग लगता है आपको? मैम, सबका रोल अच्छा था, हर एक एक्टर ने सबसे अच्छा रोल किया है और डायरेक्शन अच्छा था मूवी का और SRK ने भी अच्छा रोल किया। आंसू आ जाएंगे, इतनी अच्छी मूवी है। बहुत बढ़िया, मजा आ गया देख के। पैसा वसूल बहुत बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। शाहरुख खान इज बेस्ट, सबसे बेस्ट रोल है। किसी एक मिलती है कि अपना देश अपना ही रहता है, बाहर से बेहतर अपना देश है। जैसे इस फिल्म में रियल जेल दिखाई गई है, तो उसमें आपका क्या कहना है? नहीं, बहुत बढ़िया मूवी, एक रियलिटी दिखाई गई है, दो मूवी से अलग, डिफरेंट मूवी। शाहरुख खान की आई है बदल बदल, तो बहुत अच्छी मूवी है ये। तो आप डंकी को कितने स्टार्स दोगे? बढ़िया है, मतलब 4 से 5। हाँ, फुल दे दीजिए, बढ़िया, बिल्कुल अलग अलग। शाहरुख खान की 3 मूवी आई है, तीनों की थीम अलग रही है और तीनों बेस्ट है। बहुत खूबसूरत मूवी है, राजकुमारी रानी बनाते ही है, डिफिकल्ट मूवी तो बहुत अच्छी मूवी करी है और इंटरटेनर है और एक मैसेज दिया है, जो मैसेज होना चाहिए कि बाहर जाने में कितना स्ट्रगल करना। क्या मैसेज दिया है, क्या बाहर जाने में क्या होना चाहिए? बॉर्डर पार करता है इंसान, मतलब बिना वीजा के चक्कर में, मतलब इंसान सुपर टू गुड मूवी ऑफ टू गुड। मैम, कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी है। शाहरुख खान का कैरेक्टर कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। और तापसी पन्नू? बहुत अच्छा लगा। मैम, आपको कैसी लगी फिल्म? अच्छी लगी। और फिल्म के सॉन्ग्स कैसे लगे? जैसे कि लुटपुट, उसका जो सॉन्ग था वो काफी फेमस था, तो उसको उसके बारे में बताइए। अच्छा था, शाहरुख खान का जो एक्टिंग है वो जवान और पठान से तो मच बेटर था। अच्छा, जवान पठान से बेटर थी इसमें। हाँ, तो स्टोरी लाइन आप उसके बारे में क्या कहेंगे कि जवान पठान से बेटर थी? रियलिटी वाली थी स्टोरी, जो आजकल के यूथ जो है ना, उनको लगता है कि विदेश जाना बहुत बड़ी चीज होती है, तो उस हिसाब से ये स्टोरी बहुत ही रियलिटी चेक देती है यूथ के लिए। फिल्म डंकी बहुत दमदार फिल्म थी। लोग कहते थे कि सैलार के सामने टिक नहीं पाएगी, लेकिन लाजवाब मूवी देखने की। जैसे कि कह रहे कि सैलार डंकी से ज्यादा अच्छी जाएगी, उसकी बिक्री भी टिकट्स की ऑलरेडी ज्यादा हुई है, तो उसके बिहाफ पे आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, क्या लोगों के हिसाब से आप देखिए, सैलार हाँ माने कि अच्छी है सामने, लेकिन डंकी के आगे कुछ नहीं। हम आए हैं यहाँ पे पिक्चर देखने, दिस इज़ द थर्ड शो ऑफ दिस फर्स्ट डे, और बहुत अच्छी मूवी है, बहुत ही बढ़िया, एक अच्छा मैसेज दिया है। जो लोग बाहर जाते हैं और बाहर जाने का सपना देखते हैं, दे शुड अवेयर अबाउट वॉट हैज़ हैपन इन द अब्रॉड एंड आउट ऑफ कंट्री। बहुत अच्छा, और शाहरुख तो फिर शाहरुख हैं, उन्होंने हमेशा से पब्लिक को खुश किया है, पब्लिक का प्यार लिया है, एंड इट्स रियली वेरी वेरी नाइस एंड वेरी गुड मूवी। आप ज़रूर देखने, सबको मैसेज दीजिए कि सब हॉल में आके देखें इसको, अपने TV और उस पर मत देखें। शाहरुख खान के अलावा और किसका कैरेक्टर आपको दमदार लगा इस फिल्म में? विकी कौशल एज यूजुअल, ही इज़ वेरी स्मार्ट, ही इज़ वेरी गुड। एंड शाहरुख खान ने कहा था विकी कौशल के लिए कि जब वो ये मूवी रिलीज होगी तो उन्हें देखकर लोगों को उनसे प्यार हो जाएगा, तो आपको क्या लगता है, विकी कौशल से प्यार हो जाएगा? वो प्यार हमेशा से है उसका, ऐसा नहीं है, उसने जितनी भी पिक्चरें आगे करी है, संजू में भी आया है और भी बहुत सी करी है, वो प्यार है, और इससे और भी लोगों को पब्लिक के लिए फुल एंटरटेनमेंट है ये पिक्चर, फुल नॉलेजेबल है ये। तो इसमें सामाजिक मुद्दा है, जैसे जवान में सामाजिक मुद्दा बताया गया था, तो इसमें क्या सामाजिक मुद्दा है? मैम, इसमें भी सामाजिक मुद्दा ये है कि जैसे हम लोग सोच रहे हैं बाहर जाने के लिए, उस नौबत पे एक ये बात बताई गई है कि जो है आदमी इनडायरेक्टली जैसे जाता हैगा तो वैसे जाओगे, और जो है गलत तरीके से जा रहेगा उस पे जो है जहाज से जा रहा है या वैसे जा रहेगा तो वो चीज़ गलत रहेगी। इसको जो है कम्फर्टेबल ये हैगा कि आदमी एक वीज़ा लेके जाओ, भाई ये चीज़ है बाकी, लेकिन जब इससे पहले 140 साल से पहले दिखाया गया कि उससे नहीं था, तो उस टाइम आदमी जाता ही था, कोई पानी से जहाज से, कोई रेगिस्तान से, कोई ऊँट से जाता था, भाई ये चीज़ रहेगी। और बाकी वीडियो की बात रही है कि मूवी की, तो मूवी इंशाल्लाह जो है चलेगी और 100% प्योर रहेगी, और ये पठान जवान से जो है और ज़्यादा कमाई करेगी, 1500 सालाना
आ रही है इसके बारे में क्या कहें, सालार या डंकी? कनाडा और तेलुगू में है बस, बाकी जो है शाहरुख खान इज द किंग ऑफ बॉलीवुड और ये जो है पूरे इंडिया में बल्कि पूरे इंटरनेशनल में है। वैसे ये फिल्म लोगों को काफी पसंद आ रही है, फिल्म डंकी लोगों ने काफी पसंद की है, लोगों का कहना है इसमें स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है, जवान पठान के मुकाबले फिल्म डंकी भी बहुत अच्छी जा रही है, लोगों ने इसे 5 out of 4 स्टार्स दिए हैं और लोगों ने कहा है कि ये फिल्म एक सीखने के लिए है, इसमें एक सीख है जिसे हर किसी को देखनी चाहिए। सो गाइज बस यहीं तक, मैं सुप्रिया कैमरामैन सत्य नारायण के साथ, आप देख रहे हैं 4 PM बॉलीवुड।